हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले कीबोर्ड के शॉर्टकट्स के बारे में। जब हमारा माउस ख़राब हो जाता है तो हम लोग को कीबोर्ड के शॉर्टकट्स पता होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, तो वो देखते हैं उसके तरीके से जाते हैं। पहला मैंने लिया है अल्ट प्लस टैब टू स्विच प्रोग्राम। तो इसके लिए मेरे को 3-4 एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। मैं खोलता हूँ। अभी मैंने 3-4 एप्लीकेशन खोल के रखे हैं, तो मैं अभी इसको ऐसे अल्ट प्लस टैब से स्विच कर सकता हूँ। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट्स खोलता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है अल्ट प्लस F4 एंड एंटर टू शट डाउन कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर शट डाउन करने का है तो क्या करना चाहिए, अल्ट प्लस F4 एंड एंटर। तो मैं अभी करके देखता हूँ। सॉरी दोस्तों, अल्ट प्लस F4 और एंटर। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप शट डाउन लॉक कर सकते हैं, लॉग ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं PC। तो नेक्स्ट ऑप्शन, ये एप्लीकेशन बंद हो गया, डॉक्यूमेंट बंद हो गया मेरा। फिर से चालू करता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अल्ट प्लस F4। कौन सा भी एप्लीकेशन आपको बंद करने का है तो आप कैसे कर देंगे, क्रॉस बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उससे अच्छा आप लोग अल्ट प्लस F4 से कीबोर्ड से क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है विंडोज़ प्लस D, एप्लीकेशन मिनिमाइज करने के लिए ये ऑप्शन का इस्तेमाल हो सकता है, विंडोज़ प्लस D। इसके हिसाब से सब एप्लीकेशन मिनिमाइज होते हैं, और फिर से मैक्सिमाइज करने के लिए विंडोज़ प्लस D दबाइए। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस C, ये तो कॉमन है, सबको पता होता है, तभी मैं एक बार मैं बता देता हूँ। इसके लिए एक फोल्डर बनाता हूँ मैं। एक फोल्डर किया, अभी इसको कॉपी किया है मैंने इधर किधर, तो पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस V से पेस्ट कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है कट करने के लिए, फोल्डर कट पेस्ट करने के लिए, तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस X। अभी इसको मैं पेस्ट करता हूँ किधर, तो कंट्रोल प्लस V पेस्ट। अभी नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा अंडू और रिडू, ये दोनों एक साथ बता देता हूँ मैं आपको ताकि अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए भी मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ डेस्कटॉप पे। ये अभी मैंने फोल्डर बनाया, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यस, अभी मेरे को इस फोल्डर को फिर से लाने का है, तो मैं कैसे करूँगा, कंट्रोल प्लस Z दबाने के बाद न्यू फोल्डर इधर आ चुका है। अब फिर मेरे को ये फोल्डर फिर से निकालने का है, तो क्या करूँगा मैं, कंट्रोल प्लस Y रिडू। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट और शिफ्ट डिलीट, दोनों का मतलब सेम है लेकिन वर्क अलग है। डिलीट सिर्फ डिलीट करता है और फाइल रिसाइकल बिन में डालता है, शिफ्ट प्लस डिलीट ये परमानेंटली फाइल डिलीट करता है। अभी मैं एक फाइल सिर्फ डिलीट कर देता हूँ, डिलीट यस। अभी ये मेरे को रिसाइकल बिन में दिखेगी, लेकिन मैं शिफ्ट प्लस डिलीट करूँगा तो ऐसा मैसेज आता है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट, तो यस ये परमानेंटली डिलीट हो गया। अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ जो कि आपको वर्क करते समय कुछ काम में आएंगे। सबसे पहले मैं एक नया डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, कंट्रोल प्लस N, नया डॉक्यूमेंट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है।
टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ तो, हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग, थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको भी दिख ले। अभी इस फाइल को मेरे को सेव करने का है, तो कैसे सेव करें? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेव का ऑप्शन, तो कैसे सेव करें हम लोग? दो ऑप्शन है इधर, कंट्रोल प्लस एस से भी सेव होता है और F12 से भी सेव होता है। इसको नाम देता हूँ डॉक्यूमेंट 1, सेव। अभी ये फाइल सेव हो गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है ये एरो कीज, मतलब सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट सिलेक्ट करने का है हम लोग को। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? नॉर्मली हम लोग माउस से क्लिक करते हैं तो माउस काम नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे हम? शिफ्ट प्लस एरो की से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और पूरा डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करने का है तो कंट्रोल ए दबा दीजिए। शॉर्टकट्स हमारे इधर तक ख़त्म हो गए हैं। ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।